अयोध्या जो भगवान राम की जन्मभूमि है उसका एक संक्षिप्त इतिहास बताइए, जैसे उसका नाम कैसे पड़ा इत्यादि। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जैसी की मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जिसका समय आकलन के अनुसार 9 लाख साल पहले माना जाता है। जिस समय जन्म हुआ था उस समय उस नगरी का नाम साकेत था, लेकिन बाद में ऐसा इतिहास में मिलता है कि गुप्त राजवंश जब आया, जिसका समय काल 300 से 600 ईस्वी माना जाता है, इस दरमियान साकेत का नाम अयोध्या या अवध पड़ा, जो कौशल प्रदेश की राजधानी मानी गई है। इसके बाद 1528 में कहा जाता है कि वहाँ पे बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी, उसने मंदिर को ढहा के मस्जिद का निर्माण कराया, और उसके बाद से ही वहाँ पे इस मंदिर में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच यहाँ पूजन और पूजा पाठ को लेके, स्वामित्व को लेके विवाद चला। बाबरी मस्जिद का इतिहास, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, और अयोध्या और बाबरी मस्जिद का क्या विवाद है उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। जैसा कि मैंने बताया पूर्व में कि मीर बाकी जो मुगल सम्राट बाबर का सेनापति था, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था। तो जो वो मंदिर था उसको कहा जाता है कि वह राम जन्म भूमि, जो राम जन्म स्थल है, उस पर वो बनाया गया था, और उस मंदिर को तोड़ के उसने मस्जिद बनाया जिसके 3 गुंबद थे। तो इस प्रकार जो डिस्प्यूट की, जो विवाद की शुरुआत हुई हिंदू मुस्लिम में, इस मंदिर को तोड़कर, जो राम जन्म भूमि का जन्मस्थली कहा जाता है, और मंदिर बनाने से हुई। लेकिन पहली बार हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में आपस में झगड़ा 1853 में हुआ, कि दोनों लोग कहने लगे कि गलत, हिंदू कहते थे गलत हुआ है, मुस्लिम कहते थे कि नहीं, गलत नहीं हुआ है। लेकिन इस दोनों झगड़े को तत्कालीन जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने मध्यस्थता करके और सुलह कराया, और फिर दोनों समुदाय में शांति हो गई। और इसका परिणाम यह भी हुआ कि 1857 में, 1857 में जब म्यूटनी हुई, तो पूरे देश में के साथ साथ वहाँ के भी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में मिलके अंग्रेजों के साथ लड़े। इसके बाद एक और दस्तावेजी साक्ष्य मिलते हैं कि 1885 में एक महंत थे, स्थानीय महंत रघुवर दास ने, उन्होंने एक मामला दर्ज कराया था कि उस स्थल पर हिंदुओं को भी पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, लेकिन तत्कालीन जो न्यायालय थी उनकी इस अर्जी को मंजूर नहीं की और निरस्त कर दी। तो स्वतंत्रता प्राप्त इसके बाद एक घटना और घटी है, जब 1858 में घटी थी जी, 1858 में निहंग सिखों ने वहाँ पर पूजा पाठ करने का प्रयास किया था, और जिस पर स्थानीय पुलिस आई और रोक लगा दी, और निहंगों के पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। तो निहंग सिखों ने जब पूजा की तो इसका विरोध मुस्लिम समुदाय निहंग के, सिख वहां पे क्यों आए? इसका हम बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इसका हवाला दिया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हम अंत में इस वीडियो के अंत में या दूसरे पार्ट में जब चर्चा करेंगे तो उसका हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो उन लोगों ने 1853 में, 1858 में वहाँ पर पूजा याचना की, और इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया, और जिस पर एक मुकदमा भी निहंग सिखों के खिलाफ दायर किया गया। और इसके बाद उस मंदिर पे पुलिस का, जो स्थानीय प्रशासन का है, पहरा रहने लगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व यही इतिहास मिलता है। हाँ, 1885 में एक महंत रघुवर दास ने, चूंकि उस पर पुलिस प्रशासन का कब्जा रहने लगा था निहंगों के झगड़ा के बाद,
तो महंत रघुवर दास ने पूजा याचना के लिए एक प्रार्थना उस समय के न्यायालय में की थी, जो अयोध्या का न्यायालय था, सिविल कोर्ट, लेकिन उसके प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अयोध्या का विवाद से संबंधित यही लिखित दस्तावेज उपलब्ध है।